नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में करीब एक महीने से लॉकडाउन है और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ही सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, ऐसे में कई फिल्मों के रिलीज का इंतजार और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि अक्षय कुमार लॉकडाउन के बीच बड़ा कदम उठा सकते हैं और अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को थिएटर में रिलीज करने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हैं। बॉम्बे के मेकर्स फिल्म को डिज्नी और हॉटस्टार पर रिलीज कर सकते हैं। सोर्सेस की माने तो अक्षय कुमार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस मामले में अभी विचार कर रहे हैं। अभी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है जिसमें एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और मिक्सिंग शामिल है। फिल्म की टीम अभी भी घर से काम कर रही है, यही रीजन है कि इससे काम में ज्यादा टाइम लग रहा है। अभी लॉकडाउन 3 मई तक है और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सिनेमा हॉल्स भी बंद हैं। ऐसे में टीम इसे सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकती है। फिल्म में अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले फिल्म को 22 मई को रिलीज किया जाना था, लेकिन अभी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करना काफी मुश्किल है। हालांकि अभी लक्ष्मी बॉम्ब की रिलीज को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही।